गाइस ऐसा लग रहा है हम जंग लड़ने आए हैं। हमने वहां के सब 12 डिश ऑर्डर किए, चार इसने करी, चार मैंने, चार इसने, हमने सब लिया। हे गाइस व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। जब हम रील डालते हैं ना उसके बाद मजा आता है, और आजकल बहुत कंफ्यूजन हो रही है, इतनी सारी फुटेज है, मैं दिमाग खराब हो जाता है, ये डालूं कि ये डालूं, ये डालूं कि ये डालूं, या कुछ बना कर डालूं कि या ये डालूं। एनी हू, एक हमारा घोड़ा है जिस पर हमने पैसे लगाए थे वो निकल पड़ा है, उसको मैंने बोला रोज की 2 रील भेजे, और फाइनली अच्छी अच्छी रील्स भेज रहा है वो, देखते हैं आता है मज़ा। कल उसकी मैंने रील डाली थी जो उसने एडिट करी, तो होता क्या, मैंने उसको ये बोला कि देख भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत सारी फुटेज पड़ी है बट मैं भूल जाता हूँ, तू मेरी सारी फुटेज देख और निकाल के ला अंदर से कि मैं देख के सरप्राइज हो जाऊँ कि ओ भाई ये कहाँ से लेके आया ये। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो मज़ा आ जाता है। हर चीज़ ना ऑटोमेट करने का सोचना चाहिए, जैसे अभी रील का प्रोसेस है, अब हम कैसे कर सकते हैं कि भाई मेरी रील भी बन जाए और मेरे को टाइम भी ना, क्योंकि बहुत टाइम लगता है रील बनाने में, मतलब 2 घंटे तो आराम से कहीं नहीं गए, जी ढूंढते रहो ये करो वो करो ये करो, बहुत मेहनत की खपाई है। एनी ही, 4 किलो खत्म हो गए हमारी लिक्विड विस्की डाइट फॉलो करके, हमें किसी को चाहिए तो बताना, मैं बना के देता हूँ। सो गाइस, ये मेरी फेवरेट जैकेट थी, मैं बता नहीं सकता, जब ये मैं पहले पहनता था, और ये शायद चोरी की है, शायद अर्नब की चोरी की थी मैंने, पता नहीं किसकी जैकेट है बट हाँ कहीं से तो आ गई थी। फिर मैं जब वहाँ गया था ना, ये कहाँ गया था, मैं कॉर्बेट गया था, तो मेरे को यहाँ पे स्टैम्प मिला था, तो मैंने ये तब से लगा के रखा हुआ है, मजाक नहीं कर रहा, अभी ये जैकेट मुझे फिट आ रही है, उस टाइम पर ये जैकेट मेरे को लूज़ होती थी क्योंकि मैं ऐसे डिंडू सा था, इशू था मैं। अभी अभी बढ़िया एकदम, एक मैं रील डालूंगा, मतलब मजाक में मजाक कैसे उड़ाऊंगा इसमें, तो बढ़िया एकदम रील नहीं है। आई थिंक ऐसी कोलैबोरेशंस हमेशा अच्छी हैं क्योंकि ये मेरी फेवरेट टाइप की कोलैबोरेशंस है। हमें परसों जाना है, परसों के लिए हमें कल जाके कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा, उधर मुझे कराना नहीं है, कोविड टेस्ट वैसे सस्ता हो गया, 70-80 रुपये का धर्म का हो गया, तो 70-80 धर्म का हो गया, हम आज अभी करा देंगे बंदरों में, या मुझे सरप्राइज कुछ किया नहीं जाता, बट मैंने टाइटल सोचा था डालूंगा, फर्स्ट क्लास से इंडिगो हम जा रहे हैं। अच्छा मैं बता ही देता हूँ, सो गाइस हमने ना टिकट बुक की है, तो लोचा क्या हो रहा था, क्योंकि बंदर एक नंबर का, मतलब बंदर एक स्लेव है, तो वो सैटरडे संडे छुट्टी ले सकता है, अगर वो एक दिन छुट्टी लेगा भाई उसके 20-30 हज़ार रुपये कट जाएंगे, तो वो छुट्टी नहीं ले रहा, जिस पर हमें जिस चीज़ के लिए जाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हमने जो टिकट बुक कर रहे थे पहले, मैंने तो उसको बोला एमिरेट्स कर भाई, एमिरेट्स में तो मेरे को पॉइंट्स मिलते हैं और फ्री बिजनेस एंड यह भी अपग्रेड हो जाती माइल्स से, तो उसकी जो वाली बिजनेस थी वो 1 लाख की पड़ रही थी और मेरी वाली आराम से 50-60 में आ रही थी, तो फिर हम वो कह रहा मैं कि मैं नहीं ले रहा, ये नहीं ले रहा, तो रो धो के भाई हमने फिर हमने कहा चल छोड़, फिर हमने एक और उसका टाइमिंग नहीं मिल रहा था, टिकट्स प्राइसेस तो बहुत मिल रहे थे बट उसके टाइम पे जिसको उसको जाना था निकल के, उसको फ्राइडे को ऑफिस के बाद जाना है और संडे को रात को पहुँचना है यहाँ पे वापस, कि मंडे को ऑफिस जा पाए, तो बहुत लोचा हुआ था। उसके बाद हमें हमने देखा शारजा की टिकट भाई इतनी सस्ती मिल रही थी, मैं बता नहीं सकता, 4,000 रुपये की टिकट मिल रही थी 200 दिरहम की, फिर हमने वो बुक कर दी कहीं पे पे की। यार आज तो बड़ी भीड़ है, एनी ही हम अपना वो भी ले रहे हैं, शेकर लाना भूल गया मैं। आई थिंक ये बेस्ट सोल्यूशन है भाई, ट्रेडमिल पर आ जाओ, सारा काम यहीं पर, लैपटॉप लूटो ट्रेडमिल पर लगा लो, पतले के पतले काम का काम हो जाएगा। देखो मैं आधा घंटा ये किया, आधा घंटा वो किया। ओ पार्टिजानो, ओ मकरीना, ओ बेला चाओ बेला। सो गाइस 500 कैलोरीज हमने पैपरी के साथ बर्न कर लिए, यहाँ पे एक डीबीडी पार्क, डॉग पार्क भी है, देखो डॉग पार्क्स क्वाइट पैपरी के भाई। यहाँ से ना एक बंदा गिर गया था, ये पुलिस थी, मैंने बताया था ना, नामो निशान मिट जाता है, पता नहीं। नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। सो गाइस इस बार बस मुझे डर लग रहा है कि हम इंडिगो, मैंने बताया ना इस बार हमें मतलब बहुत ही सस्ती टिकट मिल गई थी, तो या तो देखो बहुत महंगी टिकट ले रहे हो तुम लोग, हम या तो महंगी टिकट लेते हैं या तो बहुत सस्ती लेते हैं, अब वो 60,000 वाली नहीं ले रहे थे, तो हमने कहा भाई इस बार पैसे बचा लेते हैं, 4,000 में टिकट मिल रही थी, 5,000 की वो एक्स्ट्रा फीस फूस लगा के भी सुविधा, मेरी टिकट 11,000 में आ गई है दोनों की, इकोनॉमी इंडिगो में बढ़िया है, शारजा से जाएंगे, 100 दिन की टैक्सी है। सो गाइस आज हम क्लीनिंग स्प्री पे हैं भाई, सफाई सुबह कर रहे हैं, ये मैं 3-4 साल पहले लाया था, आज तक लगे नहीं है, अब आज मैं क्या करूँगा, बढ़िया बढ़िया फोटोज प्रिंट करा के अभी लगा दूंगा इसको, क्या ये फेंक साले, पता नहीं क्या क्या गंद रखा है, फेंक सालों को, कुकी खाने तूने नहीं खाना, ये पानी कौन मंगाता रहता है, पानी नहीं हमारे घर पे, बड़ा पागल है, फ्री आता है। ये देखना क्या इकट्ठा कर रखा है भैया, फोक और ये देखना कितने फोक और ये ले हुए हैं, फोक ही फोक है, अभी तो वो निकलेगा भाई, वो जो साबुन सुबुन लेके आता था सऊदी से, 10 किलो साबुन में बेचने जाए तो हमें करोड़पति बन जाएंगे। ये देखना तकिए तुके डाल रहे हैं फालतू में, ये डब्बा कील्स का रखा हुआ है, कुछ काम का ही नहीं है साला, ऐसे ही रखा हुआ है, निकाल के फेंको,
जगह ही नहीं है यहाँ पे, मतलब हमारे स्टोर में जगह ही नहीं है कि भाई कपड़े भी धो ले। मैंने भूसा भर रखा है इसमें, भाई को बोलो भाई इसमें डाल दे, वो सब इसमें ठूस देगा। अब इसमें से बताता हूँ क्या क्या तिजोरियाँ निकलेंगी। तिजोरियाँ ये देखो, नया ड्रोन यहाँ पे डालकर फेंक दिया इसने। वीर ने भाई बॉस का डब्बा संभाल के रखा है, अपनी शादी में जब दहेज आएगा ना उसमें देगा ये साला जाके, इसमें डब्बा बचा के रखा हुआ है, पता नहीं क्या करेंगे डब्बे का। कूड़ा कबाड़। ये देखना चप्पलें रखी हुई है, ये क्यों रखी है, कहाँ से है, किसी सेवन स्टार की है, नहीं है, फेंक इसको, बहरीन की है, हट रख इसको, ये इसके रूम में रख दे, बोल ये ले तू पहन ले इसको पहले। इसी में डाल देते ना सब। हाँ इसमें घुसा ना, यूज योर स्पेस। सो गाइस फाइनली स्पीति के बारे में बता दिया, अभी स्टोरी डाली है बढ़िया एकदम, कि भैया मैं चंटर बंटर को मतलब गिव, सपोज करो गिव अवे अनाउंस किया, गिव अवे हमेशा होता है कि भाई फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, पहले भी यही होता था कि भाई चलो आईफोन दे दिए भाई मोवलॉग्स के, मोवलॉग्स ने तो गाड़ियाँ बांटी हुई हैं, दो कैमरा दे रहा था एक बार, उसके पता नहीं कितने फॉलोअर्स बढ़ गए थे। बट एनी वेज फिर वो जब गिव अवे अनाउंस हो जाते तो वो वैसे ही नीचे आते हैं, फिर सब अनफॉलो करते हैं, साले मुझे तो जिताया नहीं, हट तेरी माँ का। मैं कैसे करता हूँ जाने गिव अवे पार्टिसिपेट करता हूँ, मेरे को नहीं आया। एनी वेज तो मैंने ये किया कि हम कम्युनिटी बिल्डिंग करेंगे, मैं जाके देखूंगा कि भाई ब्रेक इट्स आदमी, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे लोग होते हैं, जैसे वो पहला आया था वो अर्नव आया था, उसको सब पता था, उसने सब ब्लॉग चाटे हुए थे, उसको सब पता था, तो ऐसे लोगों के साथ जाके और मज़ा आता है। या जितने भी गए हैं हमारे गिव अवे में तो अच्छा ही बोल रहा है, हाँ, और हर बार मुझे कोई ना कोई मिल जाता है। देखा किम मिल गई, ये प्राची मिल गई, फिर ऐसा मेरे लिए गिव अवे अब एक वो भी हो गया कि चांस भाई कि मेरे को लोगों से, इट्स अ रिक्रूटिंग अपॉर्चुनिटी, मैं लोगों से मिल लेता हूँ। अब जैसे गाड़ी पे जा रहे हैं 12 घंटे, क्या तुम बात करोगे, तो मैं इंसान की तुम नशे नसों तक घुस जाते हो ना, कि इसका ये क्या है, इसके प्लान्स क्या हैं, ये है वो है नहीं है वो है, सब मात्र की सब निकाल लेते हैं, टेस्ट लेगा। एनी वेज गाइज मेरे को बहुत ही एक बढ़िया स्टोरी याद आई थी, अब अगर तुम्हें बताऊंगा अब तुम विश्वास करोगे कि नहीं वो तुम्हारे ऊपर है, बट मैं साफ कर रहा था तू भी सुन ले, ये पूछा था अच्छा क्या स्टोरी, मैं कभी व्लॉग ऑन करता हूँ फिर बताऊंगा। ये जो जूते दिख रहे हैं ये मैंने साड़े हैं, ये मेरा पहला नाइकी होगा, और ये खरीदा नहीं था मैंने, किसी का लिया था, अभिषेक का सड़े हुए थे, तो वो कह रहा था ब्रो मेरे पैर तेरे पास आ जाएंगे, तो मैं कहा भाई दे दे मुझे, जब बोल्ट में काम करता था, जब अर्नव की वहाँ पे नौकरी था उसने मुझे दिए थे, तो मैं ये तब से जिम में पहनता था, और फिर ये साड़ दिए थे, और ये तब भी अभी ऐसे के ऐसी हैं, और फटे हुए भी पहने मैंने, मैं कहा भाड़ में जाए भाई, मुझे जूते वो तो मैं कोई विश्वास नहीं था, मैं कहे फटे हुए जूते जूते तभी तो कह रहा हूँ टाइम चेंजेस ब्रो। बट हाँ मैंने किसी के मांगे हुए जूते, अभिषेक के जूते थे, उसने मुझे दिए थे कि ब्रो तेरे को मेरा साइज आ जाएगा तो पहन ले, मैं कहा चल ठीक है फिर ये जूते मिल रहे हैं, वैसे भी गाँव का आता है नाइकी खरीदने की, और बहुत महंगे होते थे यार, जब तू लगा ले 30,000 की मेरी 30,000 तेरे को मिल रहे हैं, ठीक है सैलरी है तुम्हारी औकात, 8,000 के जूते तुम खरीद लोगे, तो सोच भी सकता ना 35,000 में, मैं सोचेगा 8,000 के जूते लूँ कि यार 8,000 की पार्टी करूँ, या फिर पार्टी भी नहीं, मैं तो चल घूमने आता था तब, तो फिर वो ब्रैकेट से देखो हमने सारा कूड़ा फेंक दिया भाई, गंद कबाड़, मतलब ये देखो ये तार क्या कर रही थी भाई, तूने मॉडम में कोई तार लगानी है, वैसे इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, बंदर को बोलना चाहिए, पता नहीं क्या क्या डालो, जूती चप्पलें किसकी हैं, स्टीव मैडम बबलू का पड़ा हुआ है, उसका तो सारा सामान डाल के ना हम अभी इंडिया शिप करेंगे, बढ़िया एकदम फैब्रिक स्टाइल्स, जूते मैंने लिए थे अब ये आज तक को आ जाएंगे, तो मैंने उसको बोला तू ले जा, ये देखो पूरा साफ हो गया, अभी कचरा साफ हो गया, अभी इसमें ठूसना पड़ेगा, और ये इसके पीछे मैंने सब डाल दिया, इसका बोस मैंने यहाँ घुसा दिया, पता नहीं क्या करना है इसका, ये बाप ड्रोन है भाई बाप, और ये यूज़ भी नहीं हुआ, आइसलैंड में यही उड़ा था, सेक्सी है ये, बस ये है कि इसका साइज़ बहुत बड़ा है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन में जब से छोटे मोटे ड्रोन आ गए तब से ये ट्रांसपोर्टेशन में बेचारा हक गया, नहीं तो इसको एक फैब्रिक है, इसमें पूरा टैबलेट ऊपर लग जाता है आईपैड, अरे एक बंदा वो जो लैपटॉप वाला था ना, मैं उसको बोला भाई अगर ऑर्डर ही कर रहा है मेरे लिए आईपैड भी गिफ्ट कर दिया मुझे, करा अरे भैया मैं 4 लाख का तो लैपटॉप कर रहा है, मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकता, और इसकी एक ही बैटरी है, निराशाजनक। सो गाइस दुबई में सारे ड्रोन्स बैन हो गए हैं, तो मैं सारे ड्रोन इंडिया लेके जा रहा हूँ, मिनी वाले को गिव अवे कर देंगे, छोटा शायद इसमें सीख लेगा क्योंकि बढ़िया एकदम, इसकी फुटेज क्वाइट पैपिक आती है, देखा तो नहीं वाला ड्रोन, इट्स कॉल्ड फैंटम प्रो, तो जब ड्रोन्स लॉन्च हुए थे सबसे पहले इसी शेप में आया था DJI फैंटम 1, तो उसमें क्या था आगे लेंस नहीं होता था साला, सिर्फ ये होता था, ठीक है उसमें हम GoPro लगाते थे, फिर अलग से उसमें मारते रहेगी बहुत, उसमें 3600 चीज़ें होती थी, तो वो सारी लगा लोगों के हम करते थे, ऑफिस का भरोसा नहीं होता था, कभी कभार चल रहा है नीचे पानी में गिर गया, एक बार सीन हुआ था ऐसे ना, हम कश्मीर में उड़ा रहे थे, वो नीचे जा रहा है, मैं कहा ना जा, तो वो भी कह रहा मैं नहीं जा रहा नदी में, फिर वहाँ पे बच्चा था, कहा 500 रुपये दूंगा उसको पकड़ जाके, फिर बच्चा कूदा और जाके उसने ड्रोन को पकड़ा, और ड्रोन तब तक पानी में जा चुका था ऐसे ठीक अंदर चला गया, फिर हमने उसको घी उसमें राइस नूडल्स में डाला, सॉरी चावल में डाला कि सूख जाए, मेरी क्या गलती है, मैं तो करी थी साले 10 दिन से उसको ईमेल का रिप्लाई नहीं किया तूने।
गाइस बहुत ही ज्यादा बर्ड कट चुके हुए और घुसा मानूंगा तुझे उसका फोन कर उसको बोल वीजा दे कल। गाइस हम भूल ही गए मेरी परसों की टिकट है और शेंगेन वीजा के लिए पासपोर्ट उनके पास पड़ा हुआ है, अगर कल तक नहीं आया तो फिर धोखा है फिर। डुप्लीकेट पासपोर्ट नहीं होता क्या, दो दो पासपोर्ट लेके जाए। गए गए नहीं कटाते अभी बोल रहा हूँ यहाँ से छोटे करा ले एकदम। कहाँ से? यहाँ से जैसे मैंने करा रखे एक साइड से छोटे और एक साइड से कुछ ऐसे बनवा ले। क्यूट नहीं होते भाई अब। पिज्जा पिज्जे खाएगा पिज्जे गधे ऊपर चलेगी यार। जब इंसान इतना प्यार में पागल हो जाता है ना पासपोर्ट वहाँ पड़ा है सर टिकट के बुक करा रहे हो इशू हो जा रहा है कहता आप जाओगे कैसे पासपोर्ट तो कट गया पार्ट। अब हम कल सोच रहे हैं एम्बेसी जाके लड़ाई करेंगे भाई जल्दी दो मारा। सो गाइस ये छोटे वाले ब्लॉग देखे ना मजा नहीं आता यार बंद कर इसको। आज हमने ब्लॉग देखा जाति खत्म हो गया एकदम। कोई बात नहीं यार टेंशन मत लो आज अभी रात जवान है तुम जवान हो हम जवान है सब जवान है। हम 9 बजे जा रहे हैं मुफ्ती का खाना खाने इसकी स्टोरी वहाँ जाके पता लगेगी। स्टोरी बताइए हमने ब्लॉग में हाँ पहले हमें खाने तो फिर बताऊंगा चल जल्दी जाओ नहा के आओ। हाँ हाँ बड़ी टेस्ला तो यहाँ खड़ी है बट ये चार्ज कहाँ करता है साला देख नीचे से इसने जनरेटर तो नहीं लगा रखा। वाह बड़ी समस्या है तो हमें यहाँ पे अभी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे फ्री का खाना कैसे मिल रहा है तू बताएगा। सो गाइस कोई ऑफिस के कहीं कोई घर ऑफिस में आया हमारे और उसने ऐसे कार्ड दे दिया कि कोई न्यू रेस्टोरेंट खुला है तो वी आर इनवाइटिंग यू फॉर अ फ्री डिनर दैट्स द सीन। तो हम मोटिव उसके पीछे है मोटिव ये है ना कि वो कह रहे हैं कि आप आके देखो अगर आपको सही हुआ तो अपने कॉर्पोरेट अपने लंचेस हमारे यहाँ करना सबको ऑफिस के सब लोगों को आप लेके यहीं पे अपनी खाना खाओ मीटिंग करो तो सोच रहे हैं रेकरिंग चीज़ है ना मतलब खाना तो भाई बार बार खाता रहेगा ना कोई ऐसा तो है नहीं एक आईफोन दे दिया चल ओके टन आता है सो रेकरिंग तो कैसे इसमें भी ना हमेशा देखना पड़ता है कि जो बिहेवियर तुम्हारी ऑडियंस है वो कैसा है मतलब रेकरिंग है ए वन टाइम है पेस्ट कंट्रोल हो गया अगर तो तुम एक साल में दो साल में एक बार खाना होगा कोई खाना वाना हो गया तो बार बार आओगे अगर सोचो मेंबरशिप दे दी किसी चीज़ की जो हर महीने तुम्हें चाहिए तो वो बार 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 लेते रहोगे तो उस पर जो कॉस्ट पर एक्विजिशन होती है ना एक बंदे की वो होती है कि तुम कितनी लगा रहे हो। अब उसने देखा होगा 3 लोग हैं अगर हमें अच्छा लगा खाना तो हम वापस जाएंगे तो उसने अगर चलो समझो 5,000 का बिल फटा तो उसने 5,000 3 पे डिवाइड कर दिया कि ये इनकी कॉस्ट पर एक्विजिशन थी 1,500 रुपये। अब बाद में अगर हमने जाके 20,000 का बिल कर दिया जाके अब ऐसे साले तो फिर वो उनका प्रॉफिट ही है ना फिर यहाँ हमने 2-3 लोगों को बता दिया तो फिर उनका प्रॉफिट है। अब बता जल्दी है पहुँचा कि नहीं पहुँचा वहाँ पे रिंगता रिंगता आता पार्किंग के सामने रोल्स रॉयस लगी है कह रहा राशिद बिलासी की रोल्स रॉयस है ऐसे एक बार किसी की जा रही थी एक फरारी का था मोव ब्लॉग्स की है कुछ भी कई टैपनिक है। तो गाइस हम जा रहे हैं इस पापड़ी की जगह पे इसका जगह का नाम है सराय तुर्किश रेस्टोरेंट तुर्किश माफी कुल्लू। सो गाइस ये जगह चेंज हो गई है हम यहाँ पे आए थे तो गाइस दो टेबल हमने लगाई थी रिया भी थी प्रेरणा थी शीशा कर रहे थे यहाँ पे। तो गाइस पापड़ी की जगह है मस्त बहुत बढ़िया फूल रहता है सबको फ्री में दे रहे हैं क्या पता नहीं कई टैपिक है नहीं दे रहे हमारे लिए वैसे भी अबे पेट में भी जगह भी तो होनी चाहिए। ऑर्डर करने वाले अनलिमिटेड फूड फ्री फूड फॉर लाइफ क्या बढ़िया कबाब लग रहे हैं एक हम ये कर रहे हैं एक हम ये कर रहे हैं हमस चिकन और ये लैम चॉप्स तो बढ़िया लग रहे हैं एकदम। ओह वाह वो डिमसम भी है ये क्या है ये है मानती क्या होता है ट्राई कर ले तू 3-4 बोल दियो मैं 4-5 बोल दूंगा तू भी 3-4 बोल दियो बढ़िया खाना लग रहा है एकदम क्विट पैपरिक है यार ये भी खाने का मन कर रहा है ठीक है भाई डेजर्ट
बहुत बढ़िया मेन्यू है इनका, मीटर लॉन्ग भी है भाई, मीटर लॉन्ग टिक्के। वो लैम चॉप्स मंगा लिए, ये वाले लैम चॉप्स। बोल रहा था कुछ, अभी रुक गया। तो गाइस ऐसा लग रहा है हम जंग लड़ने आए हैं। हमने वहाँ के सब 12 डिश ऑर्डर किए, 4 इसने करी, 4 मैंने, 4 इसने, मैंने सब लिया। अभी तो स्वीट डिश और करेंगे, अभी मेन मेन कोर्स है। 5 में अकेले कर रहा हूं, देख रहा मेरा फोटो है। अभी यहाँ पे बढ़िया बढ़िया टर्किश का जो बकलावा है बढ़िया एकदम, आइसक्रीम सब नाइस, ये भी नगेट्स एंड काफी डिश। मैंने अपना इंस्टाग्राम दिखा दिया, उसको बोला मैंने एक टैग करूंगा ना जितना तुमने एक हफ्ते में लिंक किया होगा कि आप में। अच्छा हाँ, यहाँ पे पता नहीं है कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ आज, इशू इन्फ्लुएंसर। ब्रेक एक उड़ा दिया उसने, ओ नाइस वन स्ट्राइक है कंसिडरेड। भाई ये तरीका होता है पेड़ भरने का, पेड़ भरने का चीटिंग चीटिंग हम दिखा रहे हैं। मैं सिर्फ प्रोटीन खाऊंगा, एक बाइट ले सकते हैं, एक बाइट लेगा फिर जीप लप लप आ जाएगी साले, इसमें अफीम होगी साले। बढ़िया कहीं पैपड़ी का चेने से गैस दैट्स द ब्रेड कहीं टैपी का सम हैम सम यगर्स सम नाटा डे कोको गैस मेरी ड्रिंक आ गई कोई टैपी के बल्ब दे दिया। बढ़िया बढ़िया ओके मस्त ओके है यहाँ पे। तो उस दिन हम गए थे गढ़िया ओका था वहाँ पे। सो गाइस अभी हम समस्या में आ गए हैं कि अभी हम वीडियो लेंगे कि खाने का और खाने का ठंडा हो जाएगा खाना, हमने चल खा ले खा ले लुआ पट्टा। हमारी नेक्स्ट डिश आ गई है श्रिम्स डोनर है डोनर कुरुम भाई फैब्रिक है, देख पहले अटैक हो गया। लैम चॉप्स और ये है टुंडे कबाब, इसका नाम है किब्बी निब्बी निब्बा। निब्बी निब्बा है क्या, मुझे भी नहीं पता है, लोग लिखते रहते हैं निब्बी निब्बा यूट्यूब पे। तो गाइस डेजर्ट आ गया, अपने आप ही ले आया है इसने, कहा हरामी ऑर्डर ना कर लें, अभी जल्दी से खुद ही दे देता हूँ इनको। फ्रूट सैलेड प्लस सम नाइस बकलावा एंड सम फल चटनी भी नहीं दिया तू काट ले फल। तो गाइस हमें फल ऐसे ही मिले हैं, ये ले जेब में डाल। चल प्लम डाल लियो, प्लम अच्छे होते हैं। तो बोल देना कबाब ले आए भाई, भाई बंदर तू बंदर है, बोल उसको कबाब ले गया। तो बोला मेन्यू दे, मेरे को मेन्यू नहीं दे रहा है। तो गाइस चायस भी दे रहे हैं, चायस गरम गरम चाय आई है, डाइजेशन के लिए अच्छी होगी। टिशू की भी चाय, पहले चाय तो पी ले अंदर करेगा क्या इसके अंदर पीनी नहीं चाय, अब ये जेब में डाल के लेके जाएंगे ना। डब्बे वाली चीज़ क्यों खा रहे हैं यहाँ पे, ये वाली खाना अभी एप्रिकॉट और ये सब है। सो गाइस आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, हमने बहुत देर से एंडिंग नहीं की थी, बस थोड़ी सी दुविधा हो गई है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं स्पीति ट्रिप भी डाल दी है, अगर कल वीजा नहीं आया, कल मैं सुबह सुबह उठ के एम्बेसी जाऊंगा, मेरा पासपोर्ट मिल जाए प्लीज, प्रे करो पासपोर्ट मिल जाए, नहीं तो कल ये व्लॉग कल जाएगा ना, तो मैं कल फ्लाइट नहीं ले पाऊंगा, नहीं तो यार फिर चंडीगढ़ मीटअप भी गया फिर, और मैं नहीं जाऊंगा तो फिर बंदर कह रहा मैं भी नहीं जाऊंगा, सो बहुत धोखेबाजी हो जाएगी। प्रे करो कि मुझे पासपोर्ट मिल जाए। पासपोर्ट।